हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो आपकी वीडियो है ये इजिप्शियन हेरोग्लिफ्स के रीडिंग है। इजिप्शियन हेरोग्लिफ्स क्या होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज़ अ ओल्डेस्ट लैंग्वेज, एंशियंट लैंग्वेज है, इजिप्ट के लैंग्वेज है। बेसिकली अब भी इजिप्ट में इजिप्शियन अरबिक चलते हैं, लेकिन दिस इज़ एन एंशियंट लैंग्वेज जिसके द्वारा, जैसे संस्कृत होते हैं जिसके द्वारा हम लोग इजिप्शियन गॉड गॉडेस को सामनिंग करते हैं और फिर कार्ड रीडिंग करते हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स भी अलग होते हैं और इसको चार्ज करना पड़ता है। ये कार्ड्स खरीद के सेल करने से नहीं होते हैं, गॉड एंड गॉडेस को शामनिंग करके और इसको चार्ज करना पड़ते हैं। और जो मंत्रस वगैरह होती है वो इजिप्शियन हेरोग्लिफ्स के में ही लिखा रहता है, मतलब वो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में लिखा रहता है। तो जिनको जैसे संस्कृत हमें पढ़ना होता है, संस्कृत में हमें मंत्र चैंट करना होता है, अगर हम लोग इंडिया के अंदर कोई गॉड गॉडेस, हिंदू गॉड गॉडेस को चाह रहे हैं सामनिंग करना या उनके द्वारा कुछ पाना चाहते हैं, तो उसी तरीके से इजिप्शियन हेरोग्लिफ्स जो है उसी में राइटिंग, एक लैंग्वेज होती है उसमें राइटिंग रहते हैं, सारे मंत्र उसी में पढ़ना होते हैं और उसके बाद उसी से इस एनर्जी देके इस कार्ड को चार्ज करना होता है और उसके बाद गॉड को सामनिंग करने के बाद रीडिंग होती है। तो ये इंडिया में क्या, इंटरनेट में, तो थ्रू आउट इंटरनेट में फर्स्ट टाइम मैंने ये रीडिंग कर रही हूँ। ये कोई भी और नहीं करते हैं। अगर आपको कोई बोल रहे हैं तो ज़रूर वहाँ पर इजिप्ट से लिए हुए उनके पास सर्टिफिकेट्स, प्रॉपर सर्टिफिकेट्स है कि नहीं ये देख के आप उनसे रीडिंग लेना, क्योंकि ये रीडिंग हर कोई करते नहीं है और हर किसी के पास इसके सर्टिफिकेट्स नहीं होते, क्योंकि टफ है, लैंग्वेज सीखना पड़ता है, उनके लैंग्वेज सीखना पड़ता है, तब भी जाके होता है। मैंने भी 3-4 ईयर्स लगाई हूँ। तो आप उनके सर्टिफिकेट जरूर चेक करना और कौन सी इंस्टीट्यूशन के है उस इंस्टीट्यूशन के बारे में भी गूगल से पता करना, अगर किसी से ये रीडिंग लेते हो। तो टॉपिक क्या है, क्या आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए या आपको वेट करना चाहिए, आपके पार्टनर के लिए मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए, इसमें रीडिंग है कि आपको अपने पार्टनर के लिए क्या वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। ये उन लोगों के लिए जो उनके साथ अनबन होते हैं पार्टनर के साथ, या जिनके पार्टनर के साथ कुछ अच्छा बनते नहीं है, उनके लिए एक क्विक रीडिंग है। 3 ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चैनल में साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, सारी अलग अलग तरीका की रीडिंग आती है और उसके साथ जोडियक साइन के बारे में बोला जाता है, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग आते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको पामिस्ट्री, जोडियक साइन के रिगार्डिंग शॉर्ट्स, ये इजिप्शियन हेरोग्लिफ्स की रीडिंग, काबाला रीडिंग, हर तरीका की रीडिंग, स्विच वर्ड्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, हीलिंग, सब कुछ यहाँ पर मिल जाती है, फ्री में सब कुछ मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो ये पर्सनल रीडिंग के जैसे ही जनरल रीडिंग होते हैं। 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। ये पहला ऑप्शन जो है ये है आपके मिरेकल के जैसा काम करते हैं, रिलेशनशिप के लिए रोज क्वार्ट्ज के हार्ट, दूसरा ऑप्शन है क्रिस्टल के एप्पल, तीसरा ऑप्शन है के करियर के ब्रेसलेट। ये रोज क्वार्ट्ज के ब्रेसलेट, करियर के ब्रेसलेट एंड आपके है एप्पल। तो ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप चॉइस करें। यहाँ पर मैंने नंबर्स या नेम के फर्स्ट या सेकंड लेटर ऑफ द नेम नहीं रखी हूँ, उसके रीजन है कि मैं जब रीडिंग करती हूँ उसी के अंदर ही मैं लेटर ऑफ द नेम, फर्स्ट लेटर या इनिशियल्स ऑफ द नेम, उसके साथ जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें हर रीडिंग में मैं बता देती हूँ, तो आप उनके उसके साथ मैच कर सकते हो। लेकिन आप अगर इससे चॉइस करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो सारी चीज मैं रीडिंग के दौरान ही बोल देती हूँ। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको मिल जाएंगे मेरे फोन नंबर जहां से आप बुकिंग कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको मिल जाएगी इंस्टाग्राम आईडी, तो वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पर भी अलग अलग तरीका के रीडिंग होते रहते हैं। तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करें और खुद आपके पास है 10 सेकेंड्स, मैं प्रेयर करूंगी और क्विकली शुरू करूंगी आपकी रीडिंग। दोनों ब्रेसलेट को अलग करेंगे और शुरू करेंगे रीडिंग। जिन्होंने एप्पल चॉइस किया था, देखेंगे कि आपके जो है आपके क्या रीडिंग आती है, कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए या वेट करना चाहिए, आपको आपके पार्टनर के लिए मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए।
बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ कि आपके कार्ड्स क्या क्या आए हैं, हालांकि आपको शायद समझ में नहीं आते हैं। तो ये कार्ड्स, जो पहले कार्ड्स है वो है डाइस लेस इनफेयरलू वाई डे मार्स आला, और जो दूसरी कार्ड्स है आपके दूसरे कार्ड्स जो है उसका उसका मैं बता देती हूँ, वो है इसला ग्रैन अन पोर्टिकोटरा डे लास मुजेरिस एम्बर ज़्यादास वाई दे लोस इनिनानोस, ठीक है। और तीसरा जो है, तीसरे जो कार्ड है वो है आपके वो भी मैं बता देती हूँ, तीसरा कार्ड है डियोसा गुरेरा वाई ले डे ला काजा फेरो चाम्बियंट इन प्रोटेक्टरा डी ला पेस डोमेस्टिका। तो ये है आपके, तो ये सारे जो कार्ड्स के एक्सप्लेनेशन है ये मैं बता देती हूँ, ये उन्हीं के लैंग्वेज के होती है और मिक्स्ड स्पेनिश होते हैं। तो मैं आपको इसके मतलब बता देती हूँ कि एक्चुअल में आपको यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये जो है ये कनेक्शन आपके पास्ट लाइफ के कनेक्शन है, लेकिन देखो इस कनेक्शन में आप दोनों के बीच का कुछ प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, कुछ कुछ जगह पे ईगो प्रॉब्लम है, कुछ कुछ जगह पे जैसे कि है कि बहुत जल्दबाजी लगा हुआ है कि आपको जो पॉजिटिव चेंजेस देखने के लिए आपको बहुत ज्यादा जल्दबाजी है, और आपकी एक लाइफस्टाइल है जैसे कि आपको एक लाइफस्टाइल आपका है या आपके पार्टनर के है, उसको उस लाइफस्टाइल में बेसिकली जाना नहीं है, उसको उस लाइफस्टाइल में कुछ करना नहीं है। उनको क्या है कि उनको एक ही टाइप के लाइफस्टाइल में हैबिट हो गया है, तो वो उस लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करना चाहते हैं शादी करके या कमिटमेंट देके। और यहाँ पर पेनफुल ब्रेकअप जो है, आपके ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, ओके, इधर 6 मंथ्स हुआ है या किसी किसी के लिए 2 मंथ्स हुआ है, बट आपके टाइम जो है एक पॉजिटिव चेंज आपके पास आएंगे और न्यू एक बिगिनिंग होना होने की चांसेस है, न्यू बिगिनिंग जरूर होगा। तो ये है कार्ड्स के मतलब, और डेफिनेटली मैं इस जगह पे मैं बोलूंगी कि आपके जो है एक मिस्टीरियस मतलब एक आप दोनों का जो है मिस्टीरियस तरीका के एक रिलेशनशिप है। तो आप दोनों एक ही तरीका के गोल्स, एक ही तरीका के चैलेंजेस के थ्रू जाते हो, दोनों इंटेलिजेंट हो, नॉलेजेबल हो, लेकिन आपको जो है आपको बोला जा रहा है कि डू नॉट गिव अप योर होप, क्योंकि आपको ना जैसे इजिप्शियन गॉड के तरफ से आ रही है कि आपको प्रोटेक्ट वो कर रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने होप को गिव अप मत करिए, आप होप को रख के चलिए और आगे में सारी चीजें ठीक होंगी। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर बोलूंगी कि अब मेरे जो व्यूवर्स है, आप लोग समटाइम्स जो है बिल्कुल मतलब अलग ढंग से सोचते हो, आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि आपको कोई नया पर्सन देखना है रिलेशनशिप में या दूसरे किसी को मतलब या इसी इंसान को प्रोसीड करना है। तो आप लोग भी काफी ज्यादा मतलब कंफ्यूज रहते हो, बट मैं आपको बोलूंगी कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी भी है और शादी भी है, तो आपको किसी दूसरे पर्सन के देखने की जरूरत नहीं है। इसी रिलेशनशिप में आपको जो भी आप चाहते हो वो चीज होने वाला है, तो आप किसी दूसरे को मत देखिए। अगर आप सोच रहे हो कि दूसरे को देखना है तो वो मत देखने की जरूरत नहीं है। जैसे गॉड ऑफ मिलियंस ऑफ इयर्स, तो मिलियंस ऑफ इयर्स पास्ट लाइफ आफ्टर लाइफ इस तरीका के आप दोनों के एक रिलेशनशिप है, और वो रिलेशनशिप कभी टूट नहीं सकते हैं। सर्कमस्टेंसेस के वजह से एक होती है, एक मैच्योरिटी लेवल के वजह से आप दोनों के बीच के जो है प्रॉब्लम होती है। कभी कभी ईगो इश्यूज इसलिए आते हैं कि दोनों के मैच्योर लेवल कम है और कमिटमेंट फोबिया है। कमिटमेंट फोबिया क्यों है, क्योंकि आप लोग सोचते हो कि जो भी हैबिट हो गया है, जिस भी लाइफस्टाइल में हम हैबिट हो गए उसी लाइफस्टाइल में जिए, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते हो। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और अपने जो है अपना जो कर्मा है वो करते जाना पड़ेगा, तब भी जाके मैं देख रही हूँ यहाँ पर सारी चीजें ठीक होंगे। और यहाँ पर प्रोटेक्ट होना है, और आप लोग जैसे ही शादी करोगे ना तो आपके बच्चे भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे,
आपके एक न्यू बिगिनिंग रहेंगे रिलेशनशिप के, वो कब तक रहेंगे? मुझे लगता है 24th of December से आपका एक न्यू बिगिनिंग होंगे। December 24 से ज्यादातर लोगों का एक न्यू बिगिनिंग होंगे, अगर नहीं होता है तो February 24 से आपका एक न्यू बिगिनिंग होगा। इधर किसी किसी के लिए December 24 और किसी किसी के लिए February 24 से आपके एक न्यू बिगिनिंग रहेंगे, और आगे चल के आप लोगों के सब कुछ सही होंगे। आप लोगों के नेम के जो फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम है वो हो सकते हैं TEDMRALKFURO, इनमें से हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपके रह सकते हैं 4/41/13 and 22, 9/18 and 27, 7/25 and 16 and 2/20/11 and 29 and 5/23 and 14, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आपके बारे में जो मुझे इजिप्शियन गॉड गॉडेस के तरफ से मैसेजेस आ रही है, आप बहुत ज्यादा हिम्मत वाले इंसान हो, कभी भी हिम्मत छोड़ते नहीं हो, लेकिन इस बात पे आप जब भी आपके रिलेशनशिप के बात आते हैं आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपको कभी लगता है कि इनको छोड़ के जाना चाहिए, और कभी आपको लगता है कि नहीं, इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, ये मेरे प्यार है, इनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो एक डिसीशन में अड़े रहिए, जिस तरीका के डिसीशन आप ले रहे हो ना, उस तरीका से करने से कोई भी चीज सक्सेसफुल नहीं होता है। तो एक ही डिसीजन में अड़े रहिए, इधर तो आप छोड़ के जाइए और किसी और के साथ शादी कर लो, या अगर छोड़ नहीं सकते हो तो एक ही डिसीजन में अड़े रहो कि नहीं मुझे छोड़ना नहीं है, मुझे इसी के साथ रिलेशनशिप को बना के चलना है। तो फिर उसी डिसीजन में रहिए। ऐसे दो दो तरीका के, इधर भी ना उधर भी ना, ना घाट का ना धोबी का, ये वाली काम ना करें, ठीक है? आप अगर एक चीजों में हो तो एक ही चीजों में बन के चले। तो इस तरीका के सिचुएशन करो, आपके सारे चीजें ठीक हो जाएंगे। एक ही सिचुएशन में बन के चलिए और थोड़ा हिम्मत करके चलो। इस वक्त में आप येलो कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, अटायर, जो भी नाइट गाउन, स्कर्ट्स जो भी है पहनो, या व्हाइट कलर के। आप अर्ली मॉर्निंग जागते हो, जैसे 5 o'clock, 6 o'clock ऐसे जागते हो, बाल टाई करते हो, पीछे में एक पोनीटेल या एक एक लंबा जो है बाल बनाते हो, एक लंबा टाई करते हो, और फ्लावर्स आपको पसंद है, खास करके रेड रोजेस बहुत ज्यादा पसंद है, और हील्स पहनना बहुत ज्यादा पसंद है, खास करके पेंसिल हील या जो पॉइंटेड हील है, इस तरीका के आप बहुत ज्यादा फैशनेबल हो, कभी कभी पहनते रहते हो, और म्यूजिक म्यूजिक लवर हो। आप लोगों को दिन में अगर देखा जाए कम से कम 1-2 घंटा तो म्यूजिक में देते ही देती हो, और म्यूजिक लवर हो। घर के बना हुआ खाना आपको बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन ज्यादातर माइंड कंफ्यूजन के वजह से आपके रिलेशनशिप खराब हो रखा है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी और आगे चलेंगे और देखेंगे आपके रीडिंग क्या आते हैं, वो जिन्होंने चॉइस किया हुआ है ब्रेसलेट रिलेशनशिप का। ये मिराकुलस ब्रेसलेट है, अगर आप चाहो तो इस ब्रेसलेट को ले सकते हो मुझसे, मैं ये ब्रेसलेट आपको दे सकती हूँ, और ये मिराकल जैसा आपके लाइफ में काम करेंगे। रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल मिराकल है, 100% मिराकल के जैसा ही काम करते हैं ये ब्रेसलेट। तो क्विकली शुरू करेंगे आपके रीडिंग, जिन्होंने चॉइस किया था रिलेशनशिप के ब्रेसलेट, देखते हैं क्या आपके रीडिंग क्या आते हैं। इजिप्शियन हेरोग्लिप्स के रीडिंग हो रही है। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में और वीडियो के नीचे में लिखते रहिए, ताकि आपके आपको जो है आपको फ्री ब्रेसलेट, इस तरीका के फ्री ब्रेसलेट मिल सके। और अगर आप पे करके लेना चाहते हो तो आपको नंबर पता है, स्क्रीन में आ रहे हैं, उसी नंबर पे व्हाट्सअप करें या टेलीग्राम करके ले। ये जो कार्ड्स रीडिंग होती है इजिप्शियन हेरोग्लिप्स की, ये बहुत एक्यूरेट होती है। कार्ड्स के साथ ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, एक्चुअली यहाँ पर सामनिंग के मतलब होते हैं, जो गॉड गॉडेस को सामनिंग करके करते हैं तब जाके कार्ड्स बिल्कुल एक्यूरेट आती है और उसके रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। तो अभी जो है अभी देखते हैं कि आपके रीडिंग क्या आ रही है। तो आपको मैं बता देती हूँ कि आपके रीडिंग क्या आ रही है। जो विजन में भी आ रहे हैं वो भी मैं बता दूंगी।
आपका जो रिलेशनशिप है ना, ये पास्ट लाइफ से चले आ रही है। बहुत सालों से चले आ रहे हैं और यूनिवर्स इस रिलेशनशिप को बिल्कुल हाँ कह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में शादी अगर नहीं हुआ है तो शादी हो सकते हैं, और अगर शादीशुदा आप हो तो आपके शादी के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें भी आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप हेवन से बन के आ रही है, गॉड गॉडेस के द्वारा बना हुआ है ये रिलेशनशिप। बट आपको काम रहना है, पेशेंस रहना है, और एक चीज है कि आपको ना, आप लोग कहीं ना कहीं पर ऐसे जगह पे गए जहां पर किसी ने आपको स्पेल वुडू ये सब करके दिया है, तो उसके वजह से आपको कुछ ना कुछ जैसे कि ब्लैक मैजिक के इश्यूज आया है, या आपके पार्टनर कहीं पर गए थे या उनके किसी के साथ ऐसे कांटेक्ट हुआ था कि ब्लैक मैजिक के असर आया है। तो मैं बोलूंगी कि आप लोग जो है वो ब्लैक मैजिक को कट करना जरूरी है, और उसके बाद सारी चीजें ठीक होंगे। थोड़ा अपने एक दूसरे को हर्ट किए हो और दो एक दूसरे से हर्ट भी हो इस वक्त में, और हर्ट होने की रीजन जो है जैसे इमोशनल इम्बैलेंस हो रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक मैजिक। बट ये जो है ये गॉड की तरफ से, मतलब हेल्प आपको इसलिए आ रहे हैं गॉड गॉडेस की तरफ से, क्योंकि ये जो है ये आपके डेस्टिनी में है, ये रिलेशनशिप आपको होना ही होना है, डेस्टिनी में लिखा हुआ है इस तरीका के रिलेशनशिप है। तो अगर ब्लैक मैजिक कट करोगे, इस तरीका के एक ब्रेसलेट होती है ब्लैक मैजिक के, ब्लैक कलर के रुद्राक्ष के साथ मैं देती हूँ, वो बिल्कुल मैजिक के जो भी असर है उसको कट करके देती हूँ, उस तरीका के ब्रेसलेट आप ऑप्ट कीजिए, उसमें आपके 3 से लेके 6 महीने में चले जाएंगे ब्लैक मैजिक। और आप जो है आप एक मदरली फिगर, फादरली फिगर बन के इस पर्सन के साथ जुड़े हुए हो, आप खुद बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो, और आप एक घर, अच्छे घर चलाने वाले, फैमिली में रहने वाला, फैमिली को देखने वाला इस तरीका के इंसान हो, और आपके पार्टनर को भी पता है। लेकिन जो रेगुलर बिहेवियर आप दोनों के बीच में चलते हैं ना, उसमें लगता है कि आपके पार्टनर को ऐसे लगता है कि आप उतना ज्यादा डेडिकेटेड नहीं हो। बेसिकली यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा किया गया है एक दूसरे के अंदर बीच में, वो ब्लैक मैजिक के द्वारा पैदा किया गया है। और अगर आप चाहोगे तो प्यूरिफाई कर सकते हो उसको, ठीक कर सकते हो। उसके लिए आपको एक तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए और हीलिंग लेना चाहिए रेगुलर। आपके इस चैनल में डिजायर पार्टनर की हीलिंग है और नेगेटिव कॉर्ड कटिंग की हीलिंग है, प्लेलिस्ट में जाके देखो। आप उन दोनों को कंटिन्यूअसली एटलीस्ट नेक्स्ट 60 to 90 days के लिए रेगुलर बेसिस में लो, मेंसेस के दौरान भी ले सकते हो, उसके इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। एंड इंस्ट्रक्शन जो है, इंस्ट्रक्शन के भी एक वीडियो है चैनल के प्लेलिस्ट में, वो देखो। एंड बेसिकली आपको जो है, आपके थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर भी है, उसको भी बोला जा रहा है कि उसके कंट्रोल करोगे तो अपने आप ठीक होंगे। तो आप कब तक आपकी ये चीजें ठीक होगा, तो आपके ठीक होते होते मुझे लग रहा है कि कम से कम इधर तो 2 months लगेंगे या 4 months लगेंगे। आज से लेके, जिस दिन से भी देख रहे हो, आज से लेके 2 months या 4 months के अंदर ये चीजें ठीक होंगी। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं NS, UPIM, CLAOY, डेट ऑफ बर्थ से 3/30/21 and 12/6/24 and 15, 5/23 and 14, 7/25 and 16, 8/26 and 17, and 8/26 and 17, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। और आपको बलून बहुत पसंद है, आप बलून उड़ाना या बलून खरीदना और उसको यूं ही हवा में उड़ा देना इस तरीका से पसंद है। ट्रैवलिंग पसंद है, तरह तरह के जगह पे ट्रैवल करते रहना। और दिन के पर्सन हो, नाइट पर्सन नहीं हो ज्यादा, नाइट में मतलब आप ज्यादातर दिन के पर्सन हो, जैसे कि जो भी काम होते हैं आप दिन में कर लेते हो और नाइट में जल्दी ही सो जाते होंगे, जैसे 11 o'clock 12 o'clock तक सो जाते होंगे। और आप हमेशा सोच सोच के करते हो, थोड़ा ये थोड़ा स्टेप लिया फिर सोचा, फिर थोड़ा स्टेप लिया फिर सोचा, कोई भी काम आप एकदम रैंडमली कभी कोई नहीं कोई काम नहीं करते, प्लान करके करते हो। ये सारे आपके बारे में, आपके इस वक्त में आप व्हाइट या ब्लू कलर के, स्काई ब्लू कलर के ड्रेस शर्ट टी शर्ट ऐसे कुछ पहने हो, आपको डांसिंग बहुत अच्छा लगते हैं, डांस करना, और आपको पहाड़ी, पहाड़ के जो है समुद्र
समंदर से भी ज्यादा पहाड़ के जो है हिल स्टेशन बहुत ज्यादा जाने के लिए पसंद है। आप लोग शायद लॉ या लीगल मैटर के जुडिशियल जज, इनमें से आप लोग में से कुछ लोग इसके प्रिपरेशन कर रहे हो, या टीचर प्रोफेसर ऐसे कुछ बनना चाहते हो, और आपको नेचर के साथ कनेक्टेड लोग हो, और ब्लू कलर, नेवी ब्लू, स्काई ब्लू इस तरीका के, या व्हाइट या ग्रे इस तरीका के कलर के शर्ट टी शर्ट ड्रेस ऐसे पहने हुए हो इस वक्त में अटायर्ड इस तरीका के, या साड़ी कुर्ता नाइट सूट गाउन जो भी है इस तरीका के कलर के पहने हुए हो, तो आपके जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। 2 to 4 months मिनिमम लगेंगे जो आपके सिचुएशन बना है उसको ठीक होने में। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ और चलेंगे दूसरे रीडिंग में जिन्होंने चॉइस किया हुआ है ब्रेसलेट। ये है करियर के ब्रेसलेट, ये ब्रेसलेट आप इस चैनल से फ्री भी मिल सकते हैं आपको, और अगर आप चाहो तो ऐसे ऑप्ट भी कर सकते हो इस ब्रेसलेट को। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप क्या चाहते हो। अगर फ्री चाहिए तो चैनल को प्रॉपर सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखिए, वीडियो के नीचे में लिखिए, आपको मिल जाएगी इस तरीका के ब्रेसलेट। क्विकली शुरू करेंगे आपके रीडिंग। कोई दूसरे कार्ड्स वो आ गए थे, सेम कार्ड्स नहीं था तो इसीलिए उसे रिजेक्ट कर दिया है। ये सेम कार्ड्स है, ठीक है। अब प्रेयर करते हैं और शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक न्यू बिगिनिंग होंगे, अब भी आपके स्पाउस हो या पार्टनर हो उनके साथ अच्छा नहीं चल रहा है, एक न्यू बिगिनिंग होने की चांसेस है, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग होंगे और कुछ ना कुछ सीक्रेट है यहाँ पर, किसी ना किसी ने कुछ छुपाया हुआ है, और वो स्पिरिचुअलिटी के साथ यूनिवर्स आपको, आप लोग स्पिरिचुअल पर्सन ऑलरेडी हो सकता है आप टैरो रीडर हो, कुछ इस तरीका के काम करते हो, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी पामिस्ट्री या हीलर इस तरीका के कई लोग ये सारे काम करते हो, या रेगुलर बेसिस में मेडिटेशन करते हो, हीलिंग लेते हो, कुछ ना कुछ ऐसे है, तो आपको यूनिवर्स वो चीज़ें बताएंगे और चेंजेस आएंगे। और मुझे लगता है यहाँ पर थर्ड पार्टी इश्यूज है, थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट है हमेशा, लेकिन सब कुछ चेंज होते रहते हैं। तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे कि 4 to 6 months में, 4 to 6 months में आप दोनों के जो भी खराब चल रहा है, वो जो एक कार्मिक, बेसिकली आप दोनों के कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है, तो कार्मिक सोलमेट कनेक्शन में क्या होता है, कर्मा के इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं पास्ट लाइफ के, जब वो कर्मा इश्यूज कट हो जाते हैं तो प्रॉपर सोलमेट कनेक्शन बनते हैं, और उनकी शादी अगर नहीं हुआ तो शादी भी होती है, या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो वो भी ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर कार्मिक सोलमेट कनेक्शन मुझे दिख रहा है, और जो कर्मा के जो साइकिल है, जो बैलेंस है, वो हो जाएगी जो लगेंगे नेक्स्ट 4 to 6 months में। आप कार्मिक कट कटिंग के हीलिंग के वीडियो इस चैनल के जो इसमें है प्लेलिस्ट में, वहां से उठा के आप कार्मिक कट कटिंग के हीलिंग के वीडियो लीजिए, और बिलिंग कैसे लेना होता है उसका भी एक वीडियो है इसी चैनल के प्लेलिस्ट में, उसे भी लो। तो यहाँ पर चीजें ठीक होंगे, थोड़ा 4 to 6 months टाइम लगेंगे तब भी जाके ये चीजें ठीक होंगे। और मुझे लग रहा है कि इस वक्त में जो है बहुत सारे थर्ड पार्टी के प्रॉब्लम है, और कई सारे जैसे कि थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, एक दूसरे से डिसअपॉइंटेड भी हो, तो इस तरीका के प्रॉब्लम है। पर धीरे धीरे जैसे सब कुछ ठीक होंगे, थोड़ा पेशेंस और करेज की जरूरत है और कुछ नहीं। यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये थर्ड पार्टी धीरे धीरे हट जाएंगे आपके जैसे
सिर्फ 4 to 6 months में हट जाएगी, 4 months या 5 months में हट जाएंगे और फिर आप दोनों की रिलेशनशिप बिल्कुल जुड़ जाएगी। तो आपके एक्चुअली आपके पार्टनर आपसे शादी करना ही चाहते थे, जिनके शादी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो थर्ड पार्टी के वजह से उन्होंने ब्रेन वॉश किया, तो उसके वजह से थोड़ा इसके माइंड खराब हो गया। लेकिन आगे में आपके पार्टनर आपके तरफ वापस भी आएंगे, चल के खुद ही चल के वापस आएंगे और चीजें ठीक भी करेंगे आपके साथ। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ कि आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम क्या है। KCTISHOVMFLG, इनमें से ई, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम है। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 1/10/1928, 4/31/13/22, 2/20/11/29, 6/24/15। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं ग्रीन व्हाइट या ब्लैक कलर के अटायर पहन के रखे हो, मतलब शर्ट टी शर्ट ड्रेस टॉप जो भी है गाउन या इस तरह का कलर के पहन के रखे हो। और आप लोग जैसे कि आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, हालांकि ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है, कार्मिक सोलमेट जर्नी भी ट्विन फ्लेम के जैसे होता है। और आपको झूठ से बहुत ज्यादा नफरत है, आपको हमेशा सच चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको जो छुपाया गया है इस चीजों से नफरत है। आपको बार बार बटरफ्लाई देखते होंगे और आप बिल्कुल किसी से डरते नहीं हो, आपको किसी भी चीजों का डर नहीं लगता, बहुत ज्यादा साहसी हो और बहुत प्रेयर करते हो, गाना गाते हो, अच्छे से गाना गाना आते हैं आप लोगों को, गाना गाना भी बहुत अच्छे से आता है और बहुत क्रिएटिव हो आप लोगों को, शायद क्रिएटिव फील्ड से भी हो। तो जैसे कि मैं बोल रही थी कि आप लोग हो स्पिरिचुअल फील्ड से, तो कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड से भी हो। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी, तो होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा इजिप्शियन हेरोग्लिफ्स की रीडिंग। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।